ंग वेलकम बंग्लिश देख रहा हूँ इन टूडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस वाई डू स्टूडेंट फेल इन एबडिकेट इंग्लिश वट इज़ दिलेबस ऑफ एन एबडिकेट इंग्लिश किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आज की वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा एनएमडिकेट इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं विकैदरी का पार्ट कितना होता है स्पेशली लास्ट थ्री और फोर ईयर्स में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो किस तरह आता है अभी चार पाँच सालों में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है ग्रामेटिकल पोर्शन कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं आपने कैसे तैयारी करनी है कहाँ से तैयारी करनी है और विकबलरी का तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए और इसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग तो इन तमाम चीज़ों पर आपकी इन एबिकेट इंग्लिश का जो अपकमिंग टेस्ट है ये वीडियो आज की उस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी दियर स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी वाइडली स्टेड इन इंग्लिश दैट द वर्ग सूज टू वन Who is skilled to do it? If someone else does, he will surely make a mess of it. और उर्दू में कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो उसकी डीघा बाजे, उसके साथ फिर ड्रामा लगता है तो एन एम डी केट इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है सिलेबस क्या होता है ग्रामर क्या होती है ग्रामर की तैयारी कैसे की जाती है ग्रामेटिकल रूल्स क्या होते हैं कॉमन सेंस क्या होता है फिर ग्रामर में जो पाँच एस ओ पीज़ हैं ग्रामर्स के वो क्या होते हैं जाहिर सी बात है ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर बताएगा अगर कोई और बताने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी ढीगा बाजें आपको भी ख़राब करेगा आपको मिसगाइड करेगा जाहिर सी बात है जिस स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कुछ मिसकसेपशन हैं इस टेस्ट के बारे में या कुछ लोग जिनका अपना लैंग्वेज का बैकग्राउंड नहीं है इवन जहाँ तक कि कुछ लोगों का जो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ इंग्लिश से कोई तलक नहीं है साइंस के लोग अगर आपको इंग्लिश में गाइड करेंगे तो डेफिनेटली दे विल मिस गाइड यू सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये उसका इंग्लिश का बैकग्राउंड हो इंग्लिश टीचर का उसको ग्रामर पे ग्रिप हो लिंग्विस्टिक्स पे ग्रिप हो इंग्लिश लैंग्वेज पर ग्रिप हो फिर उसका एक्सपीरियंस भी हो कम से कम पिछले पाँच सात आठ साल या कहीं भी उसने इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग की हो ग्रामर पढ़ाई हो या इस तरह के टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई हो तो तभी जाहिर सी बात है वो आपको गाइड कर सकेगा तो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपको आपने लास्ट तक देख ली है आपके इन शाला एनएबिकेट इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है जो इश्यू है बिल्कुल नहीं रहेगा यू विल गेट ट्वेंटी बाई ट्वेंटी और ऐसा होता रहा है मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज दिखाए जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे मेरे साथ ऑनलाइन तैयारी की यूट्यूब चैनल के स्त्री तैयारी की जिन्होंने बताया कि हमारा मसला ही सिर्फ इंग्लिश का था अब हमें समझ आइए कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है अब हमें समझ आइए कि ग्रामर क्या होती है हमें तो वही ट्रेडिशनल स्टाइल से ग्रामर पढ़ाई जाती थी वही ता ऐ तय ऐती हैं वही चुका है चुके हैं वही नाउ द नेम ऑफ पर्सन प्रस्ट प्लेस और थिंग बस इस तरह के कोई पता नहीं है तो इससे आगे हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया अब हमें समझ आई कि इंग्लिश ग्रामर कैसे सिखाई जाती है मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा सिखाई जाती है तो डी स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज या मैंने इस तरह की अकेडमी में फिजिकल अकेडमी में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया इन टू थाउजेंड वन एंड टू ऑलमोस्ट नाइनटीन ट्वेंटी ईयर्स अगो आई स्टार्टेड फ्रॉम ब्राइट करियर अकेडमी अहमदाबाद में उस वक्त पूरे के पी के में सिर्फ दो अकेडमी थी एंटी टेस्ट के वाले से बाकी छोटी मोटी ट्यूशन तो चलती रहती है गली मोहल्ले में पूरे केपी के में देर वॉर जस्ट टू अकेडमी फॉर एंटी टेस्ट ब्राइट करियर एंड वन वॉज देयर इन पेशर एम एम शायद जो आप एबाद में यही एम एम थी उस वक्त फावर में या कोई और थी बहरहाल आई एम फॉर नेम एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं है और एबाद में ब्राइट करियर जिसको स्टार्ट किया मे गॉड गिव हेम हाई रैक इन जन्ना प्रोफेसर फरीद साहब क्या शख्सियत की क्या पर्सनैलिटी द आई कॉन ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ाना उस बंदे पर ख़त्म था ना उससे पहले किसी ने पढ़ाई होगी केमिस्ट्री इस तरह ना उसके बाद भी पढ़ाएगा सिर्फ केमिस्ट्री टीचिंग की बात नहीं कर रहा उस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसके जो स्टूडेंट्स उससे उनसे पढ़ते थे वो उन पर दीवाने हो जाते थे उनकी शख्सियत के उनकी शख्सियत में मिठास प्यार और उनकी शख्सियत कहते हैं क्रिज्मेटिक क्रि, पर्सनैलिटी थी उनका क्रिज्मा ऐसा था वो स्वाद से लेकर पशावर तक और अलीपुर तक पाँच पाँच छः छः हॉस्टल होते थे सिर्फ एन टेस्ट के दिनों में और पूरा साल एन टेस्ट लगे रहते थे मेडिकल है जी इंजीनियरिंग है जी ईटा है जी एन टी है और नास्टेप क्या कहते हैं जी के जूनियर पूरा साल कोई ना कोई टेस्ट लगा रहता था और जब आ, टेस्ट के दिन होते थे तो चार चार पाँच पाँच हॉस्टल्स होते थे और उसके साथ एक और एकेडमी एक थी ब्राइट फ्यूचर बाहर नाल के टीचर्स है उनकी अकेडमी इसके अलावा एन टेस्ट नाम की कोई एकेडमी पूरे के पी के में वो पिशावर वाली और ये नहीं होती थी मानसेरा में हमारे शहर में तो खैर उस वक्त एन टेस्ट या इस तरह की चीज़ों का तो कोई नाम भी नहीं था किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था कोई एकेडमी नहीं थी तो पिछले पाँच छः सात सालों में यहाँ पे एन जी स्टार्ट हुआ है जिसके एक्सपीरियंस लोगों का अब हुआ है तो मैंने उन शख्सियत के साथ अब भी जब जहन में आते हैं तो पता चलता है कि वाकई कुछ सीखा है इफ्तार जदून साहब फिजिक्स के एक नाम था आई ऑफ फिज़िक्स थे मैथीमेटिक्स के प्रोफेसर जफर हटक साहब आजकल चकवाल करेट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मैडम की एक क्या कहते हैं बायोके की, की मैडम होती थी आई एम द नेम ऑफ उनका भी अपना एक बड़ा नाम था ये टीम थी मैं ये तो नहीं कहता कि वर्ल्ड की द बेस्ट टीम थी एटलीस्ट इतना मैं कह सकता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट टू बी वेरी फ्रेंड के पी के की द बेस्ट टीम थी अब ये कहना कि वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी ये तो फिर जस्ट बॉसिंग है मतलब ये कोई भी नहीं कह सकता बहरहाल आई कैन से दैट देट वॉज द बेस्ट अकेडमी डेट वॉज द बेस्ट टीम द बेस्ट फैकल्टी इन के पी के ऐसे लोगों के साथ मैं तो उस यंग था जाहिर है मेरे लिए ऑनर की बात थी कि मैं उनके साथ बैठता था उनके साथ मैं स्टाफ रूम शेयर करता और एक एक क्लास जिसमें हंड्रेड प्लस के स्टूडेंट्स होते थे और फ़रीद साहब अल्लाह बशह उनको उनकी क्लास में 150, 160 बड़े बड़े हॉल वहाँ पे पढ़ाते थे और उस वक्त 60 प्लस उनकी आई थी और चार चार पाँच पाँच क्लासेस उस बंदे से डिवोशन सीखी उस बंदे से कमिटमेंट सीखी उस बंदे से टीचिंग सीखी क्या शख्सियत थी और क्या प्यार था उनको उनकी शख्सियत में सिखाते थे अपने मतलब को उनके साल मैंने साथ मैंने सात साल कन्जैक्टिव मैंने पढ़ाया और पूरा साल कोई ना कोई इंट्री टेस्ट लगा रहता था तो उनसे सीखा बाद राजमदल्ला जहाँ भी ट्रेनिंग्स की जहाँ भी सेशन लिए यूट्यूब चैनल पे सेशन हो आ, स्पेल की पाकिस्तान लेवल की कॉन्फ्रेंस में जूम पे सेशन लिए फिर ट्रेनिंग वो बट ग्राम तक ब्रिटिश काउंसिल के साथ ट्रेनिंग करवाई फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कह एजुकेशन डिपार्टमेंट इंडक्शन प्रोग्राम की ट्रेनिंग कराई अपने स्टूडेंट्स अकेडमीज़ पर जिसको भी अलहमदिल्ला लैंग्वेज पढ़ाई ग्रामर पढ़ाई उसने डिफ्रेंस फील किया उसने ये कहा कि सर अब पता चला कि ग्रामर क्या होती है प्रूव किया कि आप पे जो आपके जो कॉन्सेप्ट थे कोलीग्स के साथ डिस्कशन हुई एम इंग्लिश टीचर्स के साथ डिस्कशन हुई तो जहाँ भी तो टीचिंग वहाँ से सीखी और अलहमदिल्ला लैंग्वेज का बैकग्राउंड था तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रामर पे फोनाटिक्स फोनोलॉजी पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बी कर रहे हैं मुख्त्य कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ भी वो कहते हैं कि सर बस चाल ये ये तो ये सारी बातें कहने का मकसद ये कि इंग्लिश की जो तैयारी है उसमें आम तौर पर मिसगैड किया जाता है तो आज इस पे डिटेल से बात होगी कि आप लोग स्टूडेंट्स ऑफ एफ आफ्टर डूइंग एफ जो आप एम एन एम डी के किसी भी आर्मी या आई एस पी कहीं भी जाएँ इंग्लिश एन टी एस इंग्लिश तो इंग्लिश से क्यों डरते हैं इंग्लिश फोबिया क्यों है और इसका हल क्या है सोल्यूशन क्या है तो सबसे पहली बात सबसे पहली जो आपका इशू है वो यही है कि आप इंग्लिश की तैयारी पूरा साल नहीं करते यू टेक इट ईज़ी आप इसको ईज़ी लेते हैं ये तो पहला आपके समझ लें आपका जो ब्लेंडर है मिस्टेक है आप पूरा साल बाकी साइंसेस की तैयारी करते हैं फिर एकेडमी में साइंस पे पूरा जोर लगाते हैं इंग्लिश को आप लाइट लेते हैं तैयारी आखिर में देख लेंगे जी। एक ब्लेंडर दूसरा बड़ा ब्लेंडर आप क्या करते हैं कि इंग्लिश को आप छोड़ देते हैं बहुत टफ है जी बहुत टफ समझते हैं छोड़ देते हैं और कॉमन सेंस पे वी विल अटैम्प इंग्लिश पोर्शन द बेस्ट ऑफ कॉमन सेंस कॉमन सेंस तो इंग्लिश कॉमन सेंस से नहीं होती देर आर सम ग्रामेटिकल रूल्स और तीसरी बड़ी वजह कि हमें सिलेबस हमारा इस तरह का है पेपर पैटर्न इस तरह का है कि हमें ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती और चौथी बड़ी वजह कि आम तौर पे हमारे इंग्लिश टीचर जो है उनका इंग्लिश का लैंग्वेज का अपना बैकग्राउंड नहीं होता तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते अगर सिलेबस में हो पेपर पैटर्न में कोई फिफ्टी परसेंट ग्रामर होनी चाहिए मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं है वही रट्टा मारो क्वेश्चन याद करो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और पाँच नंबर के छोटी मोटी ग्रामर पेपर हो जाता है अगले साल आपको पता है नहीं फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था तो इस बेस पर फिर टीचर भी नहीं पढ़ाते अगर ग्रामर सिलेबस में होती पेपर पैटर्न होता फिर कहीं ना कहीं से सीख के जैसे भी है अच्छी बुरी पढ़ाते अपना बैकग्राउंड नहीं है ख़ुद सीख सीखने का शौक़ हमें वैसे भी नहीं होता इसलिए ग्रामर में पढ़ाई नहीं जाती हमारा ग्रामर का लेवल ही ऐसा होता है कि हम आ, सिंपल टेंसेस बेड एम सी क्यूज खुद नहीं कर सकते क्यों हमें टेंसेस वही नाइन्थ टेंथ तक सिखाए जाते हैं कि ये जीता रहते है, हैं बस हमें पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या है वर्क क्या है सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या वर है ऑब्जेक्ट क्या है पेसिवजेशन क्या है उसकी कंडीशंस क्या है रूल्स क्या है डायरेक्ट एंड ड्रेट क्या होते हैं ये चीज़ें हमें बिल्कुल सीखाई नहीं जाती वही एट नाइन्थ टेंथ तक आगे हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती इसलिए कि सिलेबस में नहीं है और टीचर्स का अपना बैकग्राउंड नहीं तो उसमें उनके शौक भी नहीं है मैं जब अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट करता हूँ तो फिर पूरा महीना बिल्कुल बुक को टच भी नहीं करता पहले मुकम्मल बच्चों को ग्रामर पढ़ाता हूँ वो पढ़ने पता तो चले वो क्या पढ़ रहे हैं उनका कोई कॉम्प्रीहशन लेवल तो हो वो खुद कोई बता सकें ये ना ना ये ना नहीं ये एडजेक्टिव है वो खुद दो लफ्स बोल तो सकें उनकी स्पोकन तो डेवलप हो उनकी राइटिंग स्किल तो डेवलप हो बस वैसे ही बस किताब शुरू कर ली और ट्रांसलेशन शुरू कर ली और आखिर में शार्ट क्वेश्चन ली नोट्स दिए याद करो बस ऐसे ही होता है प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाया है और एज ए सप्रेंटेंडेंट आठ साल ड्यूटी भी करता हूँ बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ सब जगह पर यही हो रहा है तो डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए एक आपकी जो जहन में मिसकसपशन डाली गई है कि जी बस आखिर में आप देख लें कॉमन सेंस कॉमन सेंस की बेस में इंग्लिश नहीं होगी इंग्लिश की ग्रामेटिकल रूल्स हैं ये बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि फ़र्क इंग्लिश से पड़ेगा क्यों तो मैं स्पेशली विद द टॉपर द तो टॉप के स्टूडेंट्स हैं टॉप तो के स्टूडेंट्स हैं वो साइंसेस को पूरा साल पढ़ते हैं इंग्लिश को तो छोड़ देते हैं आखिर में कॉमन सेंस के लिए या आखिर में देख लेते हैं पहली बात तो ये कि आप जिस तरह बाकी साइंस के सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं इंग्लिश का वेटेज कम है वैल्यू कम है आपके आपके नज़दीक तो थोड़ा थोड़ा थो थो टाइम दे लेकिन शुरू से साथ साथ तैयारी करें आखिर पर ना छोड़े या कॉमन सेंस पर ना छोड़े साइंस दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि टॉपर जो होते हैं उनका साइंस में कोई डिफरेंस नहीं होता पूरा सारा पढ़ते हैं जोर लगाते हैं और फिर आखिर में अकेडमी में भी आप साइंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंग्लिश की आप तैयारी नहीं करते आप छोड़ देते हैं या आपके वो आपको समझ नहीं आते आपको रूल्स का नहीं पता होता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप समझ नहीं सकते आप वो सही तरह अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो जो इंग्लिश पे सही होगा जिसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसने प्रॉपर तरीके से किसी प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर से तैयारी की होगी वो कर लेगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में तो आप ऑलमोस्ट मैथ्स में सेम होंगे जो आपने पढ़ा है सब ने बराबर की मेहनत की है किसी को कि एक अधिक से क्यों आगे पीछे हो सकता है लेकिन इधर जो बीस मार्क्स इंग्लिश के हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसमें से आप एक दस ले रहे हैं एक पाँच ले रहे हैं एक अठारह ले रहे हैं बीस ले रहे तो फर्क तो पड़ेगा परसेंटेज में फ़र्क़ पड़ेगा और यहाँ तो ज़्यादा आपकी पॉइंट्स में आपका मेरिट या एडमिशन होगा या नहीं होगा तो इसलिए आप इसको ड्यू इम्पॉर्टेंस दें और थोड़ा टाइम बेशक दें एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करें प्रॉपर बंदे से तैयारी करें तो मैंने जब जिसको भी पढ़ाया मैंने आपको पहले बात किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके मेरे चैनल पर जाएँ सिंपल सा डेमो आपके लिए डेमो यही है कि मेरे चैनल पर जाएँ अगले फिर देख रहा हूँ सिर्फ टेंसिलस देखें बस आगे आग जाने की जरूरत नहीं है टेंसिलस पर नीचे बच्चों के कमेंट्स देखें तो मतलब पूरे कैपी के पाकिस्तान के जो टॉप क्लास के कॉलेज़ हैं वहाँ बच्चे कहते हैं सर अब पता चला जाए क्या होते हैं हमें तो वही बस ट्रेडिशनल स्टाइल से पढ़ाए गए अब हमें समझ आ आया टेंसेस क्या होते हैं टेंसिस बेस एम सी क्यूज हैं आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मेरे चैनल पर जाएँ आप टेंसेस देखें मुख्तलिफीडियोज़ देखें और उनके बाद आप वो जो टेंसेज एम सी क्यूज़ हैं ईटा एम डी के एन डी एस की प्ले लिस्ट है उस पर जाएँ आपको समझ आ जाएगी डिफ्रेंस आपको समझ आएगा कि आपने तक पढ़े जाहिर सी बात ग्रामर पढ़ी होगी और अब आपको कैसे समझ आ रही है आपका कॉम्प्रीहशन है कि नहीं डिफरेंस विल बी टोटली क्लियर तो अब आप आते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि लास्ट तक देखें आपका हर इश्यू हर क्वेश्चन क्लियर होगा फिर भी कोई क्वेरी कोई अंबिक्यूटी अब आप, आप मेरे आ, इस वीडियो के कमेंट में नीचे क्वेश्चन करें अब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है इस पर मेरी मैसेज करें आपको मैं ग्रुप पर ऐड करूँगा फिफ्टी प्लस मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो जूम क्लास होती हैं फिर में दो दिन बाकी मैं इनको व्हाट्सअप ग्रुप में गाइड कर रहा हूँ तैयारी कर रहा हूँ देआर हंड्रेड परसेंट सेटिसफाइड और ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो पंजाब से और सवाद से डे खान से वहाँ से हैं तो कह रहे हैं सर अब हमें पता चला चल रहा इस इस शर इंग्लिश में कोई इशू नहीं होगा तो मैं आपको लास्ट ईयर का पेपर बता दूँ लास्ट ईयर इंग्लिश में सिर्फ चार ऐसे एम थे जो विक्पडरी बेस्ट थे और विकेपदेरी में कोई सिंधर एंटरनेम नहीं था लास्ट ईयर का पेपर देखें मैंने पिछले पाँच साल से लोग पेपर देखे हैं देखें आप, आपके लिए और मैं ग्रुप में तैयारी भी करवा रहा हूँ तो पिछले जो साल के जो पेपर है तो एन एम का फर्स्ट पेपर था पाकिस्तान लेवल का फर्स्ट पेपर था उसमें सिर्फ चार विकेप के क्वेश्चन थे और उनमें सिर्फ स्पेलिंग थी करेक्ट स्पेलिंग आपने चूज करने थे कोई सिम कोई अंतरनेम थे तो बाकी सिक्सटीन एम सी क्यू जो थे वो सारे ग्रामर बेस्ट थे अब ग्रामर बेस्ट में क्या चीज़ें आती हैं तो ये पिछले पाँच सात सालों से पेपर की नेचर इस तरह की है कि ज़्यादातर ग्रामर बेस्ट होती है और ग्रामर से ही आपके कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं विकम्बरी में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आप एक हज़ार वर्ड देखें फिर भी मैं आपको बताऊंगा मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की हुई है हाउ टू इंटरिच योर विकेबलरी हाउ टू प्रिपेयर फॉर विके्यबलरी हाउ टू विकल वो भी ठीक है आपका पेपर है आप जाहिर क्या तो करनी है लेकिन अब पेपर सेट करने वालों को समझ आ गई है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट ग्रामर से चेक होगा कि आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर होनी चाहिए ग्रामर पर ग्रिप हो आगे कहीं भी जाते हैं ज़ाहिर आपको हेल्प करती है इसके अलावा मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि सारे डॉक्टर नहीं बनेंगे सारे इंजीनियर नहीं बनेंगे बाकी जो एन में, में आर्मी में कहीं भी जाएंगे तो ग्रामर तक तो वहाँ भी टेस्ट होंगे तो इसलिए आप इसको सीरियसली तैयारी करें तो चार एम लास्ट पेपर में थे आ, स्पेलिंग के बाकी सोलह ग्रामर में थे तो ग्रामर में क्या चीज़ होती है ग्रामर में टेंसेस और बेस्ट फिर सेंटेंस करेक्शन ज़ाहरा वो भी टेंस बेस्ट ही है फिर सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर में से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ग्रामर में से प्रपोजिशन ग्रामर में से एक्टिव पैसिव डायरेक्ट पिछले साल चार आए हुए थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तो ये सारी ग्रामर है जिसमें से आपका मैक्सिमम 90 परसेंट पेपर पोर्सन जो इंग्लिश का वो इसमें से होता है और बाकी आपके चार मैक्सिमम चार या पाँच क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्यूफी दी बेस्ट हैं स्पेलिंग पिछले लास्ट ही आया हुआ था सिनेम आ सकता है कोई तो एंटोनमेंग दो वर्ड के आ सकते हैं तो आपने अब इस पर आते हैं ग्रामर की तैयारी कैसे करनी है ग्रामर के लिए आपने ग्रामेटिकल रूल सीखने हैं लौटा नहीं मारना या किसी लास्ट ईयर के पेपर में से ये राइट ऑप्शन है ये इस तरह नहीं फॉर एग्जाम्पल एक के एम सी क्यू है आप देख लें कि इफ आई हैड अ मोबाइल आई डे गिव इट टू यू इफ आई हैड अ मोबाइल आई डेश गिव इट टू यू आई हैड गिवन आई विल गिव आई वुड हैिवन आई वुड गिव चार ऑप्शन है अब आप बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन है क्या ये कॉमन सेंस तो का क्वेश्चन है आप तो कब मारेंगे देर इज अ रूल एक कंडीशनल सेंटेंस है टाइप टू कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें एक रूल है इन टाइप टू कंडीशनल सेंटेंस वेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट दिचुएशन इज सेट ऑफ प्रेजेंट इफ़ द कंडीशन इन द प्रेजेंट इज़ फुलफिल देन इट विल हैपन कंडीशन प्रेजेंट किए फोर तरह के बाद थ्री कहते हैं बाल फोर टाइप फोर टाइप्स ऑफ कंडीशन सेंटेंसेज हैं जैसे आमतौर पर ना अगर मैं मेहनत करता तो पास हो जाता दिस इज अबाउट पास कंडीशन पास में फुलफिल होती तो पास में रिजल्ट uh, हो जाता अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे अब कंडीशन प्रेजेंट में ये फुलफिल होगी तो फ्यूचर में रिज़ल्ट मिलेगा तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है आई इफ आई हैड अ मोबाइल आई वुड गिव इट टू यू दिस इज़ अबाउट प्रेजेंट इस वक्त मेरे पास अगर मोबाइल होता तो मैं आपको देता तो मेरे पास नहीं है आई कॉट हेल्प यू इफ सेज टू मी दैट गिव मी सर योर मोबाइल मैं कहूँगा आई हैड आई इफ आई हैड आई वुड गिव इट टू यू तो ये एक रूल है टाइप कंडीशन सेंटेंस है इस पर मेरा पूरी वीडियो है कंडीशन सेंटेंस आप डिटेल से देख सकते तो मैं मिसाल दे रहा हूँ तो ग्रामर के अंदर रूल्स हैं आपने रूल सीखने रूल सीखें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कोई मसला नहीं जहाँ से मर्जी नाउन बेस्ड आए टेंसेज बेस्ड आए कंडीशन सेंटेंस बेस्ड आए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड आए प्रेपोजिशन बेस्ड आए आएँ आए पैसरवाइज हैं आपने रूल सीख लिए कोई रटा मारने की जरूरत नहीं है रूल सीखें पूरी ग्रामर से जहाँ से मर्जी मॉडल्स हैं जहाँ से मर्जी कोई भी एमसीक्यूज आएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उसको उस खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए फिर आपकी मुख्त बुक्स हैं मैंने मुख्तिफ़ वीडियोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्तफ एम सी बना के देता हूँ तो वहाँ पर अगर आप जूम पर क्लास नहीं ले सकते आप इस तरह कोई फी पे नहीं कर सकते जस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश देख ट्राउंड पे, पे टेंसिस से स्टार्ट करें पहले टेंसिस की चार वीडियोजें दे देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल देखें इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ एक्टिव पैसिव नरेशन और उसके बाद मुकम्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल कंडीशन सेंटेंसेस मॉडल सब कुछ मैंने डिटेल के साथ और एक कॉन्सैपचुअल तैयारी करवाई है कन्सपच्चुअल वीडियोज़ हैं वो देखें आपको समझ आएगा आई गारंटी कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद ईटा एमडी का जो एन सीरीज़ है जिस पर लास्ट ईयर तैयारी करवाई है वहाँ पर जाएँ तो इन ही जो मैंने चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिश इन पे बेस्ड वहाँ पर एम सी क्यूज़ हैं वहाँ भी मैंने एम सी क्यू हर एम सी क्यू के पीछे जो लॉजिक है वो डिस्कस किया है दोबारा मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है पे जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए तो मैं फिर दोबारा कंडीशन सेंटेंस टाइप टू क्लियर करके फिर बताता हूँ यहाँ पर राइट ऑप्शन ये और इसके बाद फिर इंग्लिश की तैयारी में आजकल 50 प्लस स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जाना दो चार मजीद रजिस्टर्ड हो रहे हैं नॉर्मल फी है थ्री थाउजेंड फ़ी है वो पे करके मैं ग्रुप पे ऐड करता हूँ फिर हफ्ते में दो दिन तीन दिन जूम पे क्लास होती है लाइव और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे मैं उनको वीडियोस भी मैं शेयर करता हूँ उनके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं डिस्कशंस होती हैं एम टेस्ट देता हूँ टेस्ट वापस मुझे भेजते हैं टेस्ट की मार्किंग होती है एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन तरीके से तैयारी हो रही है तो अब आ जाएँ वैकेबरी पर मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि आपने ग्रामर को कैसे तैयार करना है आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें रूल समझें हर चीज़ के रूल हैं नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग ये पुराना कॉन्सेप्ट है इस बेस पर आप नाउन उन पर बेस कोई एम नहीं कर सकते एडवर्ब विज अ वर्ड दट एड सम वर्ड इस डिफीशन पे बेस आप कोई एम सी क्यू नहीं कर सकते आप एडवर्ब को आइडेंटिफाई अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा आपको कहा जाएगा कि आप इसमें एडवर्ब आइडेंटिफाई करें अगर यही डिफीनीशन आपने पढ़ी होगी तो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऐसी इसी तरह एक्टिव पैसिजेशन जो आपके पैसिजेशन आपके रीजन नहीं पता आपको रूल्स नहीं पता आपकी कंडीशन नहीं पता आप कभी भी इस पर बेस कोई भी एम सी क्यू नहीं कर सकते ऐसी कंडीशन सेंटेंसेस सीखे हुए नहीं है तो जस्ट कॉमन कामन सेंस बेस्ड पे बे आप कोई भी अटैम्प्ट एम सी नहीं कर सकते तो हर चीज़ का एक रूल है पार्ट्स ऑफ स्पीच है चाहे नरेशन है चाहे एक्टिव पैसव हैं चाहे आर्टिकल है उसके रूल्स हैं रूल सीखें देर विल बी नो इशू आप खुद करेंगे उसके बाद बात प्रैक्टिस है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए एम सी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वहाँ हम सी मिलेंगे मेरी वो जो प्लेलिस्ट है ईटा एमडिकेट उस पर जाएँ वहाँ एमसी क्यूज हैं तैयारी करें सिंपल नाउ कॉम टू दैबरू रिकवद्री के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है जैसे रटा नहीं मारा जाता आप कितने वर्ड याद करेंगे उसके लिए आप डेली फिफ्टीन वर्ड देखें किसी भी बुक से कि उसकी एक सीरीज़ है बेहतरीन उससे तैयारी करें कोई भी बुक लें उसमें जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को आप डेली टेन या फिफ्टीन वर्ड को लिखें और उनके सेंटेंसेस से खुद बनाएं एक बात उनका उर्दू मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि तो एक वर्ड के बाद दफ़ा बहुत सारी मीनिंग्स हैं आपके उर्दू में कॉन्सेप्ट ली हो उस पर बेस अगर आपको सीनेम लिखना आएगा या एंटोनेम तो आप खुद गेस कर लेंगे कि ये इसका ये इसका है या इसका एंटोनेम याद नहीं कर सकते आप कि ये वर्ड है इस ये यह है ये सन्जनेमा या रट्टा मारते हैं नहीं आप उसमें उर्दू का मीनिंग उसका देख लें फिर उसको खुद सेंटेंस बनाएंगे जब आप उस वर्ड का सेंटेंस खुद बनाएंगे आपका कॉम्प्रिंशन क्लियर हो जाएगा आपको उस वर्ड की समझ आ जाएगी फिर उसका जो सनेम अगर लिखना है या एंटोनेम लिखना है सनेम वर्ड है एंटरनेम वर्ड आप इसमें मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं बहुत सारे वर्ड मैंने डिस्कस किए हुए हैं वो वीडियो देखें वहाँ भी हो सकता उस तो है उसमें से दो चार वर्ड्स आ जाएँ लेकिन आसान तरीका ये है कि दस वर्ड डेली लिखें उनका उर्दू मीनिंग भी लिखें साफ समझे उर्दू में और उन पे खुद सेंटेंस बनाएं अपनी तरफ से उनको मैक सेंटेंसेस ऑन वर्ड्स यूज दो एंड योर सेंटेंसेस अपने लफाज में सेंटेंसेस लिखें डेली दस वर्ड लिखें तो महीने में तीन हज़ार वर्ड हो जाएंगे दस कर सकते हैं पंद्रह कर सकते हैं बीस कर सकते हैं लेकिन आप ड्यू टाइम दें ड्यू वैटेज दें एक नंबर की भी वैल्यू होती है चाहे वो एक नंबर इंग्लिश से मिले आपको फिजिक्स से मिले केमिस्ट्री से मिले भारत से मिले एक नंबर एक नंबर ही होता है ओवरऑल आपका वैटेज ऐसे ही बनेगा वैल्यू आपकी ऐसे ही बनेगी ओवरऑल आपके मार्क्स कितने तो विकर्बरी के लिए कीप दिस थिंग इन माइंड जस्ट टेन वर्ड्स और फिफ्टीन वर्ड्स डेली बट यूज़ दो वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस विद उर्दू मीनिंग उर्दू मीनिंग क्लियर हो जाएगा आपके लिए उस वर्ड को सेंट सेंटनेम लिखना या इंटरनेम लिखना ईजी हो जाएगा तो बाकी ग्रामर आपकी क्लियर है तो चाहे सेंटेंस करेक्शन आती है सेंटेंस कंप्लीशन आती है आ, यही सेंटेंस लिखा है इफ़ आई हैड ए मोबाइल डैश नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे आप इसको कंप्लीट करना है तो आपको सेंट, कंडीशन सेंटेंस टाइप टू का स्ट्रक्चर पता होगा कि इस क्लास में कौन सा टेंस होता है और डिपेंडेंट क्लास में कौन सा तब आप उसको लिखेंगे अगेन देर इज़ सेट रूल रूल पता होगा तो आप सेंटेंस कम्प्लीशन सेंटेंस करेक्शन टेंसें प्रपोजिशन की मेरी पाँच वीडियो हैं वो देखें प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन रूल्स रूल सीखने रूल ज़ाहिर वही सिखाएगा आपको जिसने खुद ग्रामर पढ़िए जिसने जनरेटिव ग्रामर पढ़िए जिस तरह लैंग्वेज पढ़िए जिसने लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्ट पढ़िए आई डेट माई मास्टर इन इंग्लिश लैंग्वेज इन नाइन्टी नाइन टू थाउजेंड जब पाकिस्तान में ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी अब पिछले पाँच साल सालों में ग्रामर आप लैंग्वेज स्टार्ट की और पढ़ाने वाला ही कोई नहीं बी यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैं साउंडस पढ़ाएँ कॉन्सेंट्स पढ़ाएँ वर्ल्ड्स पढ़ाएँ पता ही कोई नहीं जी। है सिलेबस में सिखाने वाला कोई नहीं है अब आहस्ता आहिस्ते चीज़ें आ रही हैं तो तीसरी चीज़ आ जाती है अभी लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस इसमें भी, इस भी आपके मुख्त बुक्स मिलती हैं आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं अगेन की किफ्त की सीरीज की बुक्स हैं उसमें आप प्रैक्टिस करें एक का सेंस है कॉमन सेंस से प्रैक्टिस करें बस लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका वो एक सेंस uh, डिवेलप हो जाएगा जब आपके सामने पेपर में आएंगे तो आप आसानी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ़ योर प्रैक्टिस उसको अटैम्प्ट करेंगे उस उसमें कोई लेक्चर या कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रीजनिंग सिखाई जाए प्रैक्टिस है वैसे मैं प्रैक्टिस में अब रूम में, में मुस्लिफ बैठ देता हूँ लेकिन उसमें कोई ऐसा आपके यहाँ की कॉन्सेप्ट है दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस बुक्स लें खुद प्रैक्टिस करें इसके लिए तो आज की इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि आपने इंग्लिश एन एम डी इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है ग्रामर की तैयारी ग्रामेटिकल पोस्टर की तैयारी कैसे करनी है ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करना है प्रैक्टिस कहाँ से करनी है कैसे प्रैक्टिस करनी है और फिर विकबरी क्या होती है विकबरी अगर चाहे आप दो चार पाँच इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं होते दिस इज़ फॉर श्योर इंग्लिश में अब यही है पिछले चार पाँच साल विकबरी का फायदा ही कोई नहीं पूछते हैं किसी का रटा चेक करना है अब ये बात पेपर सेट करने वाला को भी समझ आ गई है ना विकबरी आठ दस एम सी क्यूबर जिससे अंदर में क्या चीज़ चेक होगी जैस रटा फायदा क्या होगा आगे जा जाके तो इसलिए वो ग्रामर को आप वैटेज दे रहे हैं ग्रामर में जो पांच चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो पांच इसके मेजर पोश्शन हैं उसमें से आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर प्रैक्टिस करें दैन लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा साबित हो और आखिर में यही मैसेज है अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं एक तो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश भी देख रहा हूँ वहाँ जाएँ डेमो के लिए वहाँ जाएँ देखें कि इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है लैंग्वेज कैसे पढ़ाई जाती है कोई भी एक टॉपिक दें टेंस में स्टार्ट कर लें आपको समझ आ जाएगी बस अगर दिल करें तो फिर आप आ, मेरे व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेजें ग्रुप में आ जाएं आपकी मर्ज़ी खुद तैयारी करना चाहते हैं तो खुद तैयारी करें और अगेन यही कहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर ही आपको बताएगा कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है इंग्लिश का पेपर कैसे आते हैं बाकी कहीं इधर इधर उधर से फजूल है आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता स्पेकली अ प परसन अ टीचर हु इज़ हैविंग इंग्लिश लैंग्वेज बैकग्राउंड इट सॉल्व फॉर टूडे थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़